राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली निकालने जा रही है, जिसे लेकर आज रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में भाजपा युवा मोर्चा की एक बैठक रखी गई। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, युवा मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज मौजूद रहे। इस बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर योजनाएं बनाई गई। वहीं भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड के युवाओं के खिलाफ वादा खिलाफी किया है, उसके विरोध में 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली निकालेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि झारखंड के युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें 5 से 7 हजार बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगस्त महीना समाप्त हो जाने के बाद 5 लाख नौकरियां एवं भत्ता मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। इन्हीं सभी वर्तमान राज्य सरकार के वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी। और इस रैली को निकालने का उद्देश्य होगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री इस प्रकार से युवाओं से वादा खिलाफी न करे। झारखंड का मुख्यमंत्री जी ने हमारा युवाओं को वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। अगर जब तक नौकरी नहीं मिलते हैं तब तक 5 हजार और 7 हजार रुपया भत्ता दिया जाएगा। तो हम लोग तो इंतजार में थे कि आएगा 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 आएगा, लेकिन अगस्त महीना अगर समाप्त हो जाते हैं उसका बाद 5 लाख नौकरी भी आने का संभावना खत्म हो जाते हैं और साथ में 5 हजार और 7 हजार रुपया भी नहीं आते हैं। 12 महीना 5 हजार 7 हजार होते हैं, 5 साल में 3 लाख रुपया होते हैं, लेकिन युवाओं को पैसा भी नहीं मिला। तो इसीलिए हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निर्णय किया है कि 23 अगस्त को हम लोग युवा आक्रोश रैली करूंगा। बाबूलाल जी और मैं बैठक में उपस्थित था, हमने इतना ही बोला कि आपने युवा आक्रोश रैली कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए और इसी के लिए कीजिए कि आज का बात कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे, नहीं तो इस चुनाव में भी झूठा वादा करने का एक पूरा भरपूर सूची प्रस्तुत हो जाएगा। आज आप देखिए, हमको अगर माँ को 1 हजार रुपया देना था, 5 साल में से नहीं दे सकता, कम से कम 6 महीना आगे तो दे सक देना चाहिए था। आज एक फॉर्म के लिए 200-300 रुपया रिश्वत भी देना पड़ रहा है, कंप्यूटर खराब है, 2-3 दिन काम छोड़ के हमको अपना केंद्र में आना पड़ रहा है, तो खर्चा ही तो 1000 रुपया चला गया। आप कितना पैसा देगा? सितंबर में 1000 रुपया देगा, अक्टूबर में 1000 देगा, नवंबर से तो ये बंद होने वाला है। हाँ ठीक है, आपका सरकार नहीं आने वाला है, अलग बात है, लेकिन 2000 रुपया आप देने वाला है, 1000 रुपया तो लोगों का खर्चा ही हो गया। तो इसीलिए ये जो एक वादा खिलाफी जो एक पूरा चल रहा है उसका खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है, लेकिन ये आवाज़ शांतिपूर्ण ढंग से उठे, एक श्रृंखलित व्यवस्था का आधार से उठे। यही बाबूलाल जी और मैंने हमारे युवा मोर्चा का लोगों को सलाह दिया। हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम है, उसका बारे में भी हमारा गुरु प्रकाश जी दिल्ली से आए हैं, कैसे हम लोग को करना है उसका ऊपर भी उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया और एक अच्छा माहौल में हमारा सभा हुआ। लोगों का जो उत्साह है वो देख के मुझको इतना ही मैं बोल सकता हूँ, झारखंड का हवा पूरा पलट चुका है। सर, ये चुनाव आयोग, पहले हम लोगों को ये बात मानना है कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था, अभी हमारा 19 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा हो चुका है,
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज़्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर, लेकिन पहले 2019 में यह संख्या नहीं था, 16 में यह संख्या नहीं था। तो एक लोगों को वोटर लिस्ट में नाम आने का पहले उनका ऊपर एक जांच होना चाहिए। एक भी झारखंड में अगर नया आधार कार्ड इश्यू होते हैं उसका जांच होना चाहिए कि ये व्यक्ति यहाँ का है, कोई दूसरा प्रदेश से या दूसरा देश से आए हैं। झारखंड में अभी तुष्टीकरण का कंपटीशन हुआ है, हिसाब लगा के बैठा हुआ है कि ये 20% वोट अगर हमको रेडीमेड मिल जाता हो तब तो चुनाव जितना आसान हो जाएगा। तो रेडीमेड वोट बैंक का यहाँ में कंपटीशन हो रहा है। परसों या कल मैंने एक ट्वीट किया हूँ, बांग्लादेश में हिंदू का संख्या कितना कम हुआ है, समानुपातिक असम में कितना कम हुआ है। मैं झारखंड और वेस्ट बंगाल का बात जानबूझ के मैंने नहीं लिखा, यहाँ में भी हिंदू का संख्या घाटा है, आदिवासी का संख्या भी घाटा है, हिंदू का संख्या भी घाटा है। ये दोनों एक ही आप दृष्टि से देखिए, आदिवासी का भी संख्या घाटा है और कुल मिला के आदिवासियों को छोड़ के बाकी जो हिंदू समाज है उनका भी संख्या घाटा है, खाली एक विशेष समुदाय का ही संख्या बढ़ा है। साथ साथ में झारखंड से जो माइग्रेशन हो रहा है, नौकरी नहीं मिलने का कारण लोग दूसरा प्रदेश में जा रहा है, इसका जो वैक्यूम है इसको वो लोग आके पूरा कर रहे हैं। झारखंड का युवा बेंगलोर जा रहा है, झारखंड का युवा हैदराबाद जा रहा है, मुंबई जा रहा है, और जो बाजार में जो वैक्यूम हो रहा है वो मुर्शिदाबाद से आ रहा है। तो समस्या कठिन है, एक घड़ी सबको मिलकर लड़ना है।